दे रही हूँ दे रही हूँ। अब इसमें सॉक्स किधर है, हैंकी किधर है, मोजा किधर है? अगर सुबह आपको भी अपने वार्डरोब में इसी तरह की परेशानी होती है तो नेक्स्ट आगे के 10 मिनट बिल्कुल आपके लिए है। आगे के 10 मिनट में मैं इस वार्डरोब को बहुत ही अच्छा कर दूंगी। आप भी अपने वार्डरोब को जरूरी सरियाते होंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो फिर से ऐसे हो जाते हैं। तो हेलो, मैं हूँ प्रिया, आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वार्डरोब से रिलेटेड कुछ ऐसे बातें बताने वाली हूँ जिसे आप अगर आपने अपना लिया तो आप एक बार इसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो ये महीनों तक ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम सारे सामानों को हटा लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वार्डरोब में है लगभग 6 रो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें 6 रो है। और इस वार्डरोब में मैं रेगुलर कपड़े रखूँगी, यानी जो कपड़े हम डेली यूज़ के लिए रखते हैं उन कपड़ों को मैं इनमें रखूँगी। तो ये अपर सेक्शन में मैं हस्बैंड के कपड़े रखूँगी, इस सेक्शन में मैं अपने कपड़े रखूँगी, इस वाले सेक्शन में चूँकि ये बड़ा सेक्शन है तो ये मैं अपने बेबी के लिए रखूँगी क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। ये वाला सेक्शन वापस मैं अपने ले रही हूँ क्योंकि हमारे जो लेडीज़ होती हैं या जो भी लड़कियाँ होती हैं उनके कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक उनके टॉप्स, कुर्ती, पजामाज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनके लिए उन्हें ज़्यादा स्पेस चाहिए। एंड नीचे वाले सेक्शन में मैं चादर वगैरह रखूँगी और इस सेक्शन में टॉवल्स एंड कुछ ज़रूरी सामान रखूँगी। तो ये हमने सेक्शन पहले डिवाइड कर लिया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर बॉक्स ले लीजिए और इसमें रख दीजिए अपने बेबी की सारी टी शर्ट। लेकिन इसका रखने का भी तरीका होता है, अगर आप ऐसे जनरल वे में रखिएगा तो इसमें बहुत कम स्पेस आपको मिलेगा और नीचे वाले टी शर्ट आपको दिखेंगे भी नहीं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप इस तरह से अपने ऑर्गेनाइजर बॉक्स को रखिए ताकि आपको हर टी शर्ट दिखे और आपको ऊपर नीचे कहीं से भी लेने में टी शर्ट आसानी हो। ये देखिए कितने अच्छे तरह से ये ऑर्गेनाइज हो चुका है। आप इस ऑर्गेनाइजर को आप ऐसे रखिए या सीधा करके रखिए, आप कोई भी टी शर्ट आसानी से ले सकते हैं। इसी तरह से और ऑर्गेनाइजर बॉक्स लेंगे और इसमें बच्चे के छोटे पैंट जो होते हैं उसे हम फोल्ड करके रखेंगे। बट इसका भी फोल्ड करने का एक तरीका होता है जो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। देखिए ये जो सेक्शन है इस तरह से जहाँ पर फोल्ड होते हैं कपड़े ताकि सारी चीज़ें आपके ऑर्गेनाइज लगे और आपको लेने में भी आसानी हो। इस ऑर्गेनाइजर में मैंने बेबी के जीन्स एंड पैंट्स रखे हैं। चलिए इसे वार्डरोब में हम लगा देते हैं। तो अब वार्डरोब में कैसे लगाना है ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आपकी वार्डरोब की स्पेस कम है तो आप इस तरह से एक के ऊपर एक रख के इस ऑर्गेनाइजर बॉक्स को रख सकते हैं जिससे आपका स्पेस भी कम ले और ये अच्छा भी लगे। लेकिन मेरे वार्डरोब में थोड़ी सी जगह है तो मैं इसे इस तरह से रख रही हूँ। इसी तरह से बच्चे के शर्ट वगैरह भी हम फोल्ड कर लेंगे, हमें बिल्कुल छोटा करके और एकदम अच्छी तरह से इसे रखना है। तो अब बात करते हैं कि सुबह जो हमें परेशानी होती है, हमें सॉक्स नहीं मिलते हैं, हमें रुमाल नहीं मिलते हैं, तो उसे कैसे दूर करें। और कभी ऐसा भी हो जाता है सॉक्स का एक पार्ट मिलता है, यानी एक पैर के सॉक्स मिलते हैं और दूसरे पैर के सॉक्स नहीं मिलते हैं। तो सॉक्स को आप इस तरह से फोल्ड करके रखिए, ये देखिए लास्ट वाले सेक्शन को हम इस तरह से अंदर करेंगे ताकि दोनों पार्ट सॉक्स के एक ही जगह रहे और ये कभी भी खोए नहीं। तो इसी तरह से मैंने सारे सॉक्स को फोल्ड करके रख लिया है। अब एक ऑर्गेनाइजर बॉक्स लेंगे, उसमें हम सॉक्स और हैंकी वगैरह रख लेंगे जो हमें सुबह बिल्कुल नहीं मिलते, जिसे हमें ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो सुबह की प्रॉब्लम हो गई है बिल्कुल सॉर्टेड। तो चलिए इसे भी हम वार्डरोब में लगाते हैं। यहाँ मैंने अपने बेबी के कुछ टॉवल्स वगैरह साइड में रखे हैं और उसके बाद मैं रख रही हूँ इसमें सॉक्स एंड हैंकी। तो चलिए अब चलते हैं अपर सेक्शन में, यानी जो हस्बैंड का सेक्शन है उनके जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं यानी ट्राउज़र, पैंट्स एंड टी शर्ट वगैरह, यहाँ मैं वो सारी चीज़ें रख रही हूँ। मैंने तो छोटे के कपड़े आपको कैसे फोल्ड करना है वो बता दिए, अब बात कर बड़ों के कपड़े कैसे फोल्ड करें। तो यहाँ मैंने अपना एक पजामा लिया है और उसे मैं इस तरह से फोल्ड करके रख रही हूँ।
इस तरह से जब आप फोल्ड करके सारी चीज़ों को अपने वार्डरोब में रखिएगा तो कोई भी चीज़ आपको मिलने में दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको उसे खोजना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने बेबी के शर्ट को फोल्ड किया था, सेम उसी तरह से मैंने अपने हस्बैंड के शर्ट को भी फोल्ड किया है और अपने भी टी शर्ट को फोल्ड करके लगा दिया है। तो मैंने एक और ऑर्गेनाइजर बॉक्स लिया है और इसमें मैं सारे अपने टी शर्ट फोल्ड करके रख रही हूँ। यदि आपके पास इस तरह का ऑर्गेनाइजर बॉक्स नहीं है या अभी आप बाजार नहीं जा रहे हैं तो मैंने इसका बहुत ही अच्छा एक DIY बनाया है। ये देखिए, मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड से ये ऑर्गेनाइजर बॉक्स बनाया है। इसमें मैं सारे कपड़े अपने बेबी के रखती हूँ। तो आप भी इस तरह का DIY कर सकते हैं। इसे मैंने कैसे बनाया है इसका एक अलग से मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ जाके इसे बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो अब इन टी शर्ट को रखने के बाद इसके बगल पे मैं रख रही हूँ लेगिंग्स। मेरे जो सारे लेगिंग्स वगैरह होते हैं वो मैं इसमें अच्छे तरह से फोल्ड करके रख रही हूँ। नीचे वाले सेक्शन में मैं रख रही हूँ कुर्तीज। आप यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें, जैसे आप सलवार सूट पहनते हैं तो यहाँ वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। बगल के सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर मैं घर के कपड़े रख रही हूँ जो रेगुलर यूज़ के कपड़े होते हैं, यहाँ के बगल वाले सेक्शन में जीन्स, प्लाजो एंड पजामाज वगैरह रख रही हूँ। चलते नीचे वाले सेक्शन में। नीचे वाले सेक्शन में मैंने चादर रखा है, बहुत अच्छी तरह से फोल्ड करके रखा है। और चादर के साथ साथ मैंने इसके बगल का मैचिंग पीलो कवर भी रखा है, ताकि जब हम चादर ले तो साथ साथ उसके मैचिंग पीलो कवर हमें आसानी से मिल जाए। तो लग रहा है ना आपका वार्डरोब बहुत ही अच्छा। आप भी इस तरह से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आप अपने वार्डरोब को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, और ऐसा बना सकते हैं कि आपको कोई भी चीज़ लेने में दिक्कत ना हो, ना ही आपको खोजना पड़े। तो नेक्स्ट सेक्शन में मैं रख रही हूँ टॉवल्स वगैरह। ये देखिए, मैंने यहाँ कुछ टॉवल्स रखे हैं, कुछ हैंड टॉवल्स रखे हैं, और इसके पीछे साइड में मैं रख रही हूँ अपने बेबी के डायपर्स। तो हो गया हमारा वार्डरोब बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरह का मेरा वार्डरोब था, बिल्कुल भी कोई भी सामान उसमें नहीं मिल रहा था। अब इस तरह के वार्डरोब से मैं कहीं भी कोई भी सामान आसानी से ले सकती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ऑल्सो, क्योंकि ये वीडियो किसी और को भी मदद कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार। बाय बाय।